दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि करंटली मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में और भी कई सारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है इनको बनाया जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि और कौन कौन से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आगे जाकर हम लोगों को इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर आता है वो आता है दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 865 किलोमीटर की रहने वाली है। दूसरा आता है दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 886 किलोमीटर की रहने वाली है। तीसरा आता है मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 741 किलोमीटर की है। इसके बाद में आता है दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर की है। इसके बाद में आता है मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 711 किलोमीटर की होगी। इसके बाद में आता है वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर की होगी। इसके बाद में आता है नागपुर वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 855 किलोमीटर की होगी। और लास्टली आता है पटना गुवाहाटी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर।